महाराष्ट्र झारखंड में बजा चुनावी बिगुल, दोनों राज्यों की चुनावी तारीखों का हुआ ऐलान। झारखंड में 81, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर होगा मतदान। झारखंड में कौन देगा हेमंत सोरेन को टक्कर, किस पर भरोसा जताएंगे महाराष्ट्र के मतदाता। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी बिगुल आज बज गया है। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। ये चुनाव राज्यों के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालने वाला है। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ इस समय शिवसेना के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिन्होंने पुरानी शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था और राज्य में सरकार बनाई। इस सरकार में एनसीपी का अजित गुट भी शामिल है, तो वहीं झारखंड में इस समय जेएमएम की सरकार है, जहां हेमंत सोरेन प्रदेश के मुखिया हैं। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, तो वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इसलिए दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे, महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है, वहां पर भी चुनाव होने हैं। पहले अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान होना है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन आंतरिक कलह के कारण शिवसेना ने गठबंधन छोड़ दिया था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ एक नया गठबंधन बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एनडीए में शामिल होकर यहां राज्य सरकार बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2022 में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बाद एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बने थे। 2023 के राजनीतिक संकट के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट भी सरकार में शामिल हो गया था। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां विधानसभा चुनाव राज्य की सभी 81 सीटों पर होना है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। इन दोनों ही राज्यों का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र के मतदाता वर्तमान शिंदे सरकार पर अपना भरोसा एक बार फिर जताते हैं, या फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो वहीं झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सत्ता बरकरार रहती है, या फिर कोई नया मुखिया प्रदेश में पैर जमाएगा। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।